हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे कुछ रूमर्स के बारे में जो कि मैं क्लियर कहकर चलूंगा, देन उसी के साथ बात करेंगे इस वीडियो की स्पीड के बारे में जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट है काफी कमाल का, थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से। उन्होंने हाल ही में कन्फर्म करा है अपने इंटरव्यू में कि वो पहले वुल्वरीन मूवी में गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले थे, पर उन्होंने उस रोल को चॉइस नहीं करा और आज के टाइम प्रेजेंट वो थॉर का रोल प्ले कर रहे हैं। जिमी को आपने एंटमैन द वास्प मूवी में देखा होगा। अपकमिंग रूमर ये है कि वो हमें दिखने वाले हैं शांग-ची मूवी में एज अ पुलिस के रोल में, तो काफ़ी अच्छा है, हमें उन फ्यूचर ये भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसी के साथ एक और रूमर है काफ़ी कमाल का कि माइल्स मॉरल्स ग्वेन स्टेसी हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एक कैमियो के तौर पर या इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो कि हमें आगे स्पाइडर वर्स से कनेक्ट करके दिखाएंगे। देन इसके साथ अगला रूमर है काफ़ी कमाल का, वॉर मशीन सूरी काम कर रहे हैं डिज्नी प्लस सीरीज में। अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है तो देखते हैं कि कौन सी टीवी सीरीज में ये कंफर्म होते हैं। तो इसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, ब्लैक विडो की सेट फोटोज रिवील्ड हुई है जिसमें कि ब्लैक विडो काफी कमाल की लग रही है ब्लैक जैकेट में और देन उसी के साथ टी शर्ट में। ये शूटिंग हो रही है नॉर्वे में जो कि इनका वर्किंग टाइटल है ब्लू बियॉन्ड, जो कि उसके बस के पीछे लिखा हुआ है। थॉर का कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है एवेंजर एंड गेम वाला, जो कि इन फ्यूचर में देखने वाला है, यानी कि हमें थॉर का ये वाला कैरेक्टर 100% देखेगा फ्यूचर में, वही दारू पीता हुआ और देन सुस्त आलसी सा मोटा वाला थॉर। तो ये एक नया कैरेक्टर है जो कि हमें डिफरेंट तरीके से देखने वाला है अपकमिंग मूवीज में। उसके साथ डेविड कंफर्म हो चुके हैं ब्लैक विडो मूवी में, पर रूमर ये आया है कि वो काम कर सकते हैं या रोल प्ले कर सकते हैं थिंग का, जो कि फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर है। पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, पर देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। देन उसी के साथ बूस्टर गोल्ड जो कि एक डीसी का कैरेक्टर है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट का काम चल रहा है, देखते हैं इन फ्यूचर इससे और रिलेटेड क्या अपडेट आते हैं। देन उसके साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का कि इन्फिनिटी वॉर से पहले कैप्टन रिलेशनशिप में थे शेरन कार्टर से, यानी कि इनका एक बच्चा कन्फर्म है, और ऑल्टरनेट टाइमिंग में पैगी कार्टर का भी एक बच्चा, यानी कि एट ए प्रेजेंट टाइम में कैप्टन अमेरिका के दो बच्ची हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर दूंगा। डार्क फैन कंफर्म हो चुकी PG-13 में, तो इस मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि ये लास्ट मूवी है। उसी के साथ अभी हाल ही में रिवील्ड हुआ है थॉर का न्यू स्टॉर्म ब्रेकर, जिसमें कि वो लकड़ी का हत्ता नहीं है, ये मेटल का हत्ता है, तो अच्छा लग रहा है, पर मुझे ग्रूट वाला ज़्यादा हत्ता बेटर लगा। देन उसी के साथ डेंजल का नया लुक लॉन्च हो चुका है जो कि डार्क फोनिक्स में एक कैरेक्टर है, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और उसी के साथ एक और अपडेट है काफ़ी कमाल का डोमिनो का, तो डोमिनो ने कंफर्म कर दिया कि वो केबल से रिलेशनशिप में रहेंगी अपकमिंग डेडपूल मूवी में। देन उसी के साथ अगला अपडेट है गोस्ट एंड सील का, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इस मूवी की एनिमेशन टीवी सीरीज आने वाली जो कि नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज होगी। उसके बाद लाइव एक्शन स्पंजबॉब का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर लोग मुझे लगता है कि पसंद नहीं करेंगे लाइव एक्शन स्पंजबॉब मूवी देखना। तो उसकी जो रनिंग टाइमिंग है वो है 1 घंटे की, जो कि रिलीज होगी जुलाई के महीने में। और इसके अपडेट जानने के लिए मेरे एजी मीडिया टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट आपको उसी में मिल जाएंगे। उसके बाद माइकल कंफर्म हो चुके हैं लाइव एक्शन टॉम एंड जेरी मूवी में, तो देखते हैं इनका क्या रोल होता है उस मूवी में। देन उसी के साथ अगला अपडेट है डीसी से रिलेटेड, तो डीसी की सुपर पेट्स रिलीज होगी 2021 में, तो उस मूवी को डिले कर दी काफी ज्यादा। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, पर ये सैड न्यूज है, रॉकेट रैकून का जो कैरेक्टर है वो टोटल 20 साल तक ही जी सकता है, यानी कि इस प्रजाति के लोग सिर्फ 20 साल तक जी सकते हैं। गार्डियन द गैलेक्सी से लेकर एवेंजर एंड गेम तक 2023 तक अगर उसका साल गिना जाए तो टोटल 10 साल हो चुके हैं, और 5 साल उसके पैदा होने से लेके गार्डियन द गैलेक्सी, यानी कि 15 साल हो चुके रॉकेट रकून को, क्योंकि आप उसके एज फैक्टर और उसकी बॉडी को भी देख सकते हैं उसके डिफरेंस में। देन उसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रॉकेट के पास अब 5 साल और है, यानी कि एग्जाम्पल अगर रियल ह्यूमनिटी की बात करी जाए तो डॉगी 10 से 11 साल तक जी सकते हैं, पर जो रॉकेट रकून की प्रजाति के लोग हैं वो सिर्फ 20 साल तक जी सकते हैं। तो शायद आप क्लियर अब समझ गए होंगे, तो रॉकेट के पास सिर्फ गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है, क्योंकि वो 5 साल तक ही जी सकता है। तो इसलिए इससे पहले जो अपडेट आया था कि रॉकेट मर जाएगा गार्डियन द गैलेक्सी में, तो शायद ये वही अपडेट हो। देन आपका क्या मानना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसलिए मैंने बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, तो हमें कैप्टन मार्वल मूवी में ये दिखाया जाना था कि उसकी जो आंख है निक फ्यूरी की, वो गूस ने नहीं फोड़ी थी, वो एक्चुअल में स्कल्स ने फोड़ी थी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया क्योंकि उस बिल्ली का भी कोई मकसद दिखाना था इस मूवी में, सिर्फ टाइमलाइन के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।